So our second video for this, one mole carbon or any type of one mole of atom. You are taking carbon. Carbon is the standard part. One mole definition. For definition, we are considering standard carbon. 12 gram C12 atom. Total number of atoms of 12 gram C12 atom. Each total number of atoms is one mole. These total number of atoms means Avogadro number. Avogadro number molecule, for atom, for ion, for electron, for proton. Means the base is important to study how many atoms are present. So this value is important. Mass of this value, mass of one C12 atom, 1.9 × 10⁻³ grams. With respect to mass spectrograph, this type of atom, this type of value is important. By determining this value, then we must determine this ENA value. So we will continue next part, next part of this video. Next important basic concept. Without basic concept, आप आगे नहीं जा सकोगे. एक या दो question आपको इसके ऊपर बिल्कुल होना है. आपको जब basic part जमेगा ना, आप किसी का भी कोई भी problem solve कर सकते हो, कोई भी numerical solve कर सकते हो. आपको बेसिक प्रॉब्लम जमना चाहिए. तो आगे चलेंगे. दिस द मास ऑफ एन एटम, वी आर कंसीडरिंग मोलार मास, मास ऑफ एन एटम. इट इज अ कंपैरेटिव मास. वी आर नॉट टेकिंग इन ग्राम्स डायरेक्टली. यस, यू आर टेकिंग इन ग्राम्स, बट यू मस्ट नो द कंसेप्ट ऑफ कंपैरेटिव मास. दिस कंपैरेटिव मास मींस व्हाट? One AMU, it is known as one unit or one atomic mass unit. One atomic mass unit. आपको इसका definition आपके पास रहना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए. ये भी कार्बन के बारे में ही है. कार्बन के बारे में हम सोचेंगे. कार्बन स्टैंडर्ड लेके ही उसका इन्वेंशन हुआ है. What is this? 1 AMU is equal to 1 atomic mass unit is equal to 1/12th mass of 1/12th mass of C12 1/12th mass of C12 atom 1/12th mass of C12 atom. You know that mass of C12 atom value according to mass spectrograph. That is 1.99 × 10⁻³ grams. Put this value here. 1/12 × 1.99 × 10⁻³ grams. According to mass spectrograph, we are considering the value that is 1.99 × 10⁻³ grams. When you are calculating this, the calculation indicate that it is 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम. लॉग टेबल से आप छुड़ा के देखिए, ये 1.99 इसका मतलब 2 × 12 1/6 से आप करिए, 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम आएगा, बिल्कुल आएगा. तो ये होगा रेसिप्रोकल किसका? 1/NA का. ये रेसिप्रोकल होगा NA का. NA का मतलब क्या है? NA इज एवोगाड्रो नंबर. एवोगाड्रोज नंबर. एवोगाड्रो नंबर मीन 6.022 × 10⁻²⁴ का रेसिप्रोकल होगा 1.66 × 10⁻²⁴ ग्राम. इट मीन्स फाइनली 1 AMU, one atomic mass unit is equal to 1/NA gram. One atomic mass unit is equal to 1/NA gram. One unit is equal to 1/NA gram. अगर 1 AMU is equal to 1/NA gram है, तो आप कार्बन के बारे में बोलोगे, कार्बन का एटॉमिक मास नंबर 12 एटॉमिक मास, जब ऐसा बोलोगे आप,
12 atomic mass. तो 12 atomic mass unit of carbon. तो ये 12 atomic mass unit of carbon का मतलब होगा 12 by 6.023 into 10 raised to 23 ग्राम, और 12 by ये ने ग्राम, ओके, इट मींस दैट 12 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 12 by ये ने ग्राम. इसका मतलब जब आप 12 ग्राम के बारे में पूछोगे, 12 ग्राम के बारे में पूछोगे, तो 12 ग्राम इज इक्वल टू 12 amu इंटू अवोगाड्रो नंबर, 12 एटॉमिक मास यूनिट इंटू अवोगाड्रो नंबर, 12 एटॉमिक मास यूनिट इंटू अवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 12 ग्राम. मतलब 1 ग्राम के बारे में बोलिए, 12 ग्राम के लिए इतना है, 1 ग्राम के बारे में क्या होगा, हमने निकाला. ये इसका मतलब 6.023 और 22 into 10 to 23 का मतलब ये नहीं है. अवोगाड्रो नंबर इतना लंबा नंबर लिखने के बजाय आप डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते हो, है ना, 12 ग्राम. तो 12 ग्राम के लिए 12 amu into ये, तो 1 ग्राम का मतलब क्या होगा, या लिखेंगे 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 amu into अवोगाड्रो नंबर. जब आपको 1 amu का मीनिंग मिलेगा, 1 ग्राम का मीनिंग मिलेगा, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 atomic mass into n. इट इज ग्राम एटॉमिक मास, क्या बोल गया, ग्राम एटॉमिक मास और मोलार मास, ग्राम एटॉमिक मास और मोलार मास, ये है टोटल मोलार मास के बारे में. मास ऑफ वन मोल एटम एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, मास ऑफ वन मोल एटम ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. ओके, थैंक यू.